वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म यानी कि हिट द सेकंड केस के बारे में, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे अरवी शेष और मीनाक्षी चौधरी। तो फिल्म जो है, आप सभी को पता है कि हिट सीरीज का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। पहले पार्ट के अंदर आपको विश्वक सेन देखने को मिले थे, तो अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आपको बता दूं कि अगर नहीं देखा है और समय है तो देख लीजिएगा, क्योंकि फिल्म के कुछ ऐसे है जिनका डायरेक्ट कनेक्शन यहां पर सेकंड केस के अंदर हमें देखने को मिलता है। और अगर आपका समय नहीं है और आप नहीं देखना चाहते हो और अगर आपको इमीडिएटली इस फिल्म को देखना है, तब मैं कहूंगा चलेगा, क्योंकि फिल्म के अंदर उन सीन्स को जिनका इंपॉर्टेंस है फिल्म के अंदर, उन्हें फ्लैशबैक के थ्रू यहां पर एक ठीक ठाक तरीके से एक्सप्लेन करते हुए दिखा दिया गया है। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आपको देख कर जाना है या नहीं देख कर जाना है। दोनों ही केसेस में आपको फिल्म जो है वो तो समझ आ ही जाएगी। अब अगर बात करें फिल्म के बारे में, तो ये फिल्म भी पिछले बार की तरह एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर है, जहां पर फिल्म जो है 2 घंटे के रन टाइम के साथ आती है। जहां पर फिल्म को देखने के बाद जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, जो ओपिनियन बनता है, उसे अगर एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो हिट द सेकंड केस मेरे लिए एक वॉचेबल फिल्म साबित होती है। फिल्म के अंदर ऐसा कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड ब्लोइंग नहीं था, कुछ बहुत हटके हमें कुछ भी यहां पर फिल्म के अंदर देखने को नहीं मिलता है। बट ये फिल्म कहीं पर भी हमें डिसअपॉइंट नहीं करती है, निराश नहीं करती है। फिल्म की स्टोरी सिंपल है, फिल्म के अंदर जो किलर है उसका जो मोटिव है वो भी काफी बार सुना सुनाया सा है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी कह सकते हैं सिंपल है। बट एक थ्रिलर फिल्म के अंदर ऑडियंस या फिर जो भी इसे देखने जाता है थ्रिलर के तौर पर, सबसे पहली डिमांड रहती है थ्रिल की, और उसे फुलफिल करने में ये फिल्म पूरी तरीके से कामयाब रहती है। क्योंकि फिल्म का जो सेकेंड हाफ है उसके अंदर कुछ बहुत ही बेहतरीन थ्रिलिंग मोमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जो सही में वो थ्रिल वो टेंशन प्रोवाइड करने में कामयाब रहते हैं, और इसीलिए फिल्म खत्म होते होते एक सेटिस्फाइंग फिल्म जो है साबित होती है। अदरवाइज अगर मैं बात करूं फिल्म के फर्स्ट हाफ की, तो फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी कमजोर था। फर्स्ट हाफ के अंदर जो सीन्स हमें देखने को मिलते हैं उनमें से ज्यादातर सीन्स को हम ऑलरेडी ट्रेलर में देख चुके थे, जो शॉक फैक्टर था वो भी ऑलरेडी ट्रेलर में रिवील हो चुका था, तो इसलिए वो चीजें उस तरीके का कुछ खास इंपैक्ट क्रिएट करती नहीं है। कुछ चीजें सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है, बट वो जो है काफी हद तक प्रेडिक्टेबल था। और क्योंकि फिल्म का स्क्रीन प्ले जो है इतना फास्ट है, उस बीच में विशेष के कैरेक्टर के पास उतना टाइम नहीं रहता है कि वो कैरेक्टर हमारे साथ कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कनेक्ट हो पाए और हम कहानी को उस कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना स्टार्ट कर दे, तो वो समय जो है फिल्म के फर्स्ट हाफ के अंदर कहीं पर नहीं मिलता है। इसलिए वो जो कनेक्शन वाला जो फैक्टर है वो फर्स्ट हाफ के अंदर काफी हद तक मिसिंग रहता है। और स्टोरी जैसा कि मैंने कहा वो बहुत ही सिंपल सी फर्स्ट हाफ के अंदर नजर आती है। और अरविशेष का कैरेक्टर भी ट्रेलर से जो इंटरेस्टिंग नजर आ रहा था उतना कुछ खास यहां पर उनके कैरेक्टर के अंदर भी हमें देखने को नहीं मिलता है। बस एक ही चीज पता चलती है कि वो जो है केस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बट उनके सामने एक बड़ा चैलेंज आ चुका है, तो यही उस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा से ज्यादा हमें यहां पर जानने को मिलता है। तो ये सब चीजें कुल मिलाकर फर्स्ट हाफ को एक एवरेज फर्स्ट हाफ बनाती है। बट जैसे ही फिल्म सेकेंड हाफ में जाती है, वहां से फिल्म पूरी तरीके से अपने आप को संभाल लेती है, और सेकेंड हाफ के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन हमें देखने को मिलता है वो मैं कहूंगा सिंपल था, बट उसके अंदर जो स्मार्ट काम हुआ है वो ये है कि उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान फर्स्ट केस और सेकंड केस के बीच में कनेक्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। और मैं तारीफ करना चाहूंगा फिल्म के राइटर डायरेक्टर की कि बहुत ही स्मार्टली बहुत ही ऑर्गेनिक वे में यहां पर चीजों को कनेक्ट किया है। हालांकि ये जो फिल्म सेकंड केस बनने वाली थी उसके अंदर भी विश्वक सेन ही होने वाले थे, ये तो लॉकडाउन वगैरह में उन्होंने डिसाइड करके फिल्म को एक यूनिवर्स के तौर पे प्रेजेंट करने का प्लान किया है। तो वो चेंजेस होने के बावजूद भी दोनों ही केसेस को जो कनेक्ट किया गया है एक दूसरे के साथ बहुत ही ऑर्गेनिक है, बहुत ही अच्छा नजर आता है, काफी कन्विंसिंग भी यहां पर नजर आता है, और यही चीज इस सिंपल इन्वेस्टिगेशन को जो है काफी इंटरेस्टिंग बना जाती है। फिल्म के अंदर अगर सस्पेंस की मैं बात करूं तो देखिए फिल्म का सस्पेंस मेरे लिए ओके काम किया, क्योंकि सस्पेंस इस तरीके का था कि कौन खूनी है ये यस नो पे चलता रहता है, मतलब मैंने प्रिडिक्ट किया ये, फिर बीच में थोड़ा सा डाउट हुआ तो वो यस नो के साथ चलता रहता है, और लास्ट में जो मैंने प्रिडिक्ट किया था वही निकलता है। तो उस कारण से होता क्या है कि एक बार दिमाग में वो कैरेक्टर के प्रति डाउट बन जाता है, तो अगर वही कैरेक्टर निकलता है तो वहां पर वो जो शॉक फैक्टर होता है वो क्रिएट नहीं हो पाता है। और यही एक कारण था कि सस्पेंस अच्छा था, डेफिनेटली अच्छा था, होल्ड करके रखता है, बट रिवील होने पर कुछ शॉक जो है वो क्रिएट नहीं कर पाता है। इसके अलावा फिल्म का जो एक और सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है इसका क्लाइमैक्स। जिस थ्रिल की मैं बात कर रहा हूं वो थ्रिल आपको पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करने को मिलेगा
रहेगा फिल्म के क्लाइमैक्स के अंदर, क्योंकि क्लाइमैक्स में जहां पर अर्वीशेष और फिल्म का जो किलर है वो एक दूसरे के साथ जहां पर जो लड़ते हैं, वो जो सब चीजें क्लाइमैक्स में आपको देखने को मिलती हैं, वहां पर आपको वो ब्रूटलिटी देखने को मिलती है, वो सभी चीजें, वो थ्रिल, वो टेंशन, वो सब कुछ देखने को मिलता है जो एक्सपेक्टेशंस एक थ्रिलर फिल्म से हम लगा के रखते हैं। और यही एक कारण है कि फिल्म जो है एक अच्छी थ्रिलर फिल्म बनने में कामयाब होती है। और क्लाइमैक्स के बाद तो हर किसी को पता है कि थर्ड पार्ट में कौन हीरो होने वाला है, उन्हें रिवील किया जाएगा। मेरे हिसाब से आप में से सबको पता चल ही गया होगा, बट मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा। बट जो भी आता है, जो एंट्री होती है, मजेदार थी। और अब जो है एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि एक इंप्रूवमेंट जो है हमें यहां पर फर्स्ट केस से सेकंड केस के अंदर देखने को मिलता है, और ऐसे ही इंप्रूवमेंट की हम अपेक्षा रखेंगे इसके थर्ड केस से। अब अगर बात करें कुछ टेक्निकल चीजों की, तो कलर ग्रेडिंग वगैरह बहुत ही अच्छी हुई है, सिनेमेटोग्राफी डिसेंट है, बैकग्राउंड म्यूजिक मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा है, बीजीएम अपना काम बहुत अच्छी तरीके से निभाता है, कुछ सिंपल सीन्स के अंदर भी अच्छा खासा थ्रिल जनरेट करने में वो कामयाब होता है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छी तरीके से यहां पे डिजाइन किया गया है। परफॉर्मेंसेस की मैं बात करूं तो सभी का काम फिल्म के अंदर बहुत ही अच्छा है। अर्वीशेष मैं कहूंगा कि पूरी तरीके से उनके कंधे पर चीजें चलती रहती हैं, और सेकंड हाफ के अंदर जो थ्रिल, जो टेंशन हम फील करते हैं, जो किलर के प्रति एक जो खौफ क्रिएट होता है, वो उसे क्रिएट करने में अर्वीशेष का जो परफॉर्मेंस है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि वहां पर वो जो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं उस खौफ को हमारे तक पहुंचाने में कामयाब होता है। और इसीलिए किलर बहुत कुछ यहाँ पे फिल्म के अंदर नहीं करता है, बट फिर भी वो जो डर है किलर के प्रति, वो क्रिएट करने में फिल्म जो है कामयाब होती है। और उसके पीछे मैं कहूंगा सबसे बड़ा कारण अर्वीशेष की परफॉर्मेंस ही है, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस के थ्रू वो जो खौफ है, वो जो डर है किलर के प्रति, वो हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो हिट द सेकेंड केस, अगर आप स्टोरी और किलर या फिर कहें इन्वेस्टिगेशन से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट ना करते हुए एक इंगेजिंग और एक थ्रिलिंग फिल्म देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली हिट द सेकंड केस को आप एक बार जरूर देख सकते हो। काफी अच्छी तरीके से फर्स्ट केस और सेकंड केस को यहां पर कनेक्ट किया गया है, और आने वाले थर्ड केस के लिए एक अच्छा खासा इंटरेस्ट जो है फिल्म क्रिएट कर जाती है। तो यह था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यहीं तक था आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो से लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।